आशा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनके लिए सिखाएंगे आटा की बर्फी बनाने जा रही हूँ, जो आप इसको खाकर अपने व्रत का पालन कर सकती है। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। पहले हमने कढ़ाई लिया है, फिर उसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ देसी। आँच एकदम मीडियम रखी हूँ। फिर इसमें 1 कप सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। इसको मीडियम आँच पर धीरे धीरे भूनना है। अब आटे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी अच्छी आने लगी है। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि अब आटा एकदम तैयार हो गया है। हम भगोना में अब बर्फी के लिए चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी के लिए हमको लेना है 1/2 कप चीनी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। चाशनी धीरे धीरे तैयार हो रही है। अब इसके अंदर इलायची पाउडर थोड़ा सा कुटा हुआ बारीक डालूंगी खुशबू के लिए। फिर 1 तार की चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी बन रही है, तब तक हम खोआ को भून लेती हूँ। 1/2 कप खोआ हमने लिया है बर्फी के लिए। घर का बना खोआ है, हमने खोए को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें भुना हुआ आटा डालूंगी, फिर इसको अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसमें धीरे धीरे चाशनी डालूंगी। ये अच्छी तरह से इसको मिलाना है। धीरे धीरे चाशनी डालनी है ताकि गीला ना होने पाए, अच्छी तरह से बर्फी जम जाए। फिर इसको अच्छी तरह से मिलाना है। इसको अच्छी तरह से जमने के लिए बटर पेपर में जमा दूंगी। बटर पेपर में हल्का सा घी लगाकर इस तरह से इसको जमा दूंगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से फैला देना है। हमको बेलन से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसको फैला देना है। थोड़ा ठंडा होने पर मनचाहा आकार में इसको काट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। इसको हम बर्फी के आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। इस तरह से बिल्कुल शुद्ध देसी घी में सिंघाड़े के आटा की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप अपने व्रत में कल खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।